दोस्तों आपने भी स्विट्जरलैंड का नाम सुना ही होगा। ये एक ऐसा देश है जो यूरोप के एकदम बीचों बीच स्थित है। ये एक ऐसा एरिया है जो दोनों वर्ल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड रहा था, लेकिन स्विट्जरलैंड पर युद्ध का कोई असर नहीं हुआ था। बल्कि वर्ल्ड वॉर टू के समय तो स्विट्जरलैंड अकेला ऐसा देश था जिसने दोनों साइड से पैसे कमाए थे। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड पिछले 500 सालों से अभी तक किसी भी युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ है, और इसका नतीजा है कि आज स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देश में से एक है। और दुनिया की एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के रिश्ते अच्छे ना हो। लेकिन स्विट्जरलैंड इतने बड़े बड़े देशों के बीच बीच होने के कारण भी ग्लोबली इतने अच्छे रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर रहा है? स्विट्जरलैंड के दो मुद्दे न्यूट्रलिटी और मेडिएशन ऐसी स्ट्रेटजी हैं जिनके जरिए वो सभी देशों का दोस्त बना हुआ है, और यही स्ट्रेटजी कुछ सालों से भारत भी अपना रहा है। हालांकि आजादी के बाद भारत ने 5 युद्ध लड़े हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों से ही रहे हैं, और अगर दुनिया के देशों की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ हमारा छोटा मोटा मनमुटाव भी रहा है। यूएसए, इसराइल, सऊदी, कनाडा, ये सभी देश हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ हमारे रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर पहली सूरत में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की स्ट्रेटजी से मिलता जुलता हमारे देश में कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि इंडिया दूसरा स्विट्जरलैंड बनने जा रहा है, और ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं। इंडिया किस तरह से अपने रिश्तों को दूसरे देशों के साथ सुधारने में लगा हुआ है, इसे समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि स्विट्जरलैंड ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी और कैसे। स्विट्जरलैंड में 1515 में अपना आखिरी युद्ध फ्रेंच एम्पायर के साथ लड़ा था, जहाँ बुरी तरह से उसके हार हुई थी। तभी उन्हें समझ आ गया था कि युद्ध करके कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश है। तभी से उन्होंने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना और कभी भी किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। लेकिन 1798 में फ्रेंच एम्परर ने स्विट्जरलैंड को अपने अंडर में ले लिया और स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई। लेकिन किस्मत से 1815 में युद्ध में यूके और नीदरलैंड ने मिलकर फ्रेंच एम्परर को हरा दिया और स्विट्जरलैंड को अलग कर दिया, और स्विट्जरलैंड को एक डिक्लेरेशन साइन करके अलग स्टेट घोषित कर दिया। उनके ये डिसीजन लेने के पीछे मकसद ये था कि उस समय के दो बड़े एम्पावर फ्रेंच एम्पायर और ऑस्ट्रिया एम्पायर के बीच कोई बफर जोन रहे जिससे कि पूरे रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन होती रहे। स्विट्जरलैंड के ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से ये परफेक्ट लैंड था। यहीं से स्विट्जरलैंड ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने एक न्यूट्रल स्टेट बनकर सामने आया, और स्विट्जरलैंड ने अपने इस नए स्टेटस का काफी फायदा भी उठाया। आपको बता दें पिछले 20 सालों से स्विट्जरलैंड ने पूरी दुनिया के देशों के बीच लगभग 13 नेगोशिएशन फाइनल करवाए हैं। कहने का मतलब है कि स्विट्जरलैंड एक मेडिएटर का रोल निभाकर दूसरे देशों से आपसी संबंधों को बेहतर बना रहा है। स्विट्जरलैंड ने नेपाल के 10 सालों से चले आ रहे सिविल वॉर को भी बीच बचाव करके खत्म करवा दिया था। इस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी स्विट्जरलैंड ने मेडिएटर बनकर उनके गृह युद्ध को खत्म करवा दिया। दूसरे देशों के कई सालों से चले आ रहे अंदरूनी मसले और परेशानियों को स्विट्जरलैंड ने बीच बचाव करके खत्म करवा दिया। इस तरह से स्विट्जरलैंड पूरे ग्लोबल कन्फ्लिक्ट का एक मेडिएटर बनकर उभरा है। लेकिन स्विट्जरलैंड दो कन्फ्लिक्ट पार्टी के बीच एक और बड़ा रोल प्ले करता है जो है प्रोटेक्टिंग पावर मैंडेट। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो स्विट्जरलैंड दो देशों के बीच एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है। अगर किसी कन्फ्लिक्ट के दौरान किन्हीं दो कंट्री ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शांति से हल नहीं होगा, और इसलिए ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड अपना पावर प्रोटेक्टिंग मैंडेट एक्सरसाइज करता है जिसके थ्रू कंट्रीज तक अपनी बातें और इंटरेस्ट को दूसरी कंट्री तक पहुंचाते हैं। इसी दौरान स्विट्जरलैंड का एक अहम रोल नजर आया, और उस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच बात कुछ ऐसी है कि 1979 के ईरानी रेवोल्यूशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने यूएसए के एम्बेसी को कैप्चर कर लिया था। ऐसे में यूएसए ने ईरान के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म कर दिए थे और स्विट्जरलैंड के फेवरेट काउंसिल को अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए अप्रोच किया, और उन दोनों पार्टी के बीच स्विट्जरलैंड एक कम्युनिकेटिंग ब्रिज बना वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। तो स्विट्जरलैंड ने प्रोटेक्टिंग पावर मैंडेट को एक्सरसाइज करते हुए टोटल 35 देश के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया था। इस बात से आप समझ गए होंगे कि स्विट्जरलैंड ने कितना अहम रोल प्ले किया था। इसलिए इस न्यूट्रलिटी का स्विट्जरलैंड को एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला कि वो कई देशों के लिए मेडिएटर बनकर आया और उनके कन्फ्लिक्ट को खत्म किया, और यही वजह थी कि उसके दूसरे देशों के साथ संबंध काफी अच्छे बन गए। लेकिन इसी बीच स्विट्जरलैंड ने कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर आंच नहीं आने दी। इसका उदाहरण है जब वर्ल्ड वॉर टू में सभी कंट्रीज दो में से किसी एक साइड को चुनकर युद्ध लड़ रही थी, और स्विट्जरलैंड के आसपास के सभी देश किसी न किसी साइड से युद्ध लड़ने को तैयार थे। ऐसे में स्विट्जरलैंड ने अपने न्यूट्रिएंट को बनाकर रखा और किसी भी साइड से युद्ध न लड़ने का फैसला लिया। जबकि यूरोप मेन बैटल फील्ड था, ऐसे में भी स्विट्जरलैंड ने किसी भी साइड को नहीं चुना और अपने आप को बचाकर रखा। इसलिए आज भी अपने आप को ऐसे ही बनाए रखने के लिए स्विट्जरलैंड सिर्फ 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड में अपने न्यूट्रिएंट्स और मीडिएट जैसे दो स्ट्रेटजी पॉइंट को लेकर बहुत बड़ा फायदा लिया। पहले अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाया और स्ट्रांग अलायंसेस बनाए क्योंकि उस देश से कोई नहीं लड़ना चाहता जिसके दोस्त बहुत स्ट्रांग
कंट्रीज हो। दूसरा, न्यूट्रल स्टैंड की वजह से स्विट्जरलैंड किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में भी अपने दोस्त देश के अगेंस्ट जा पाया, यानी कि लड़ाई में उन देशों का साथ देने के लिए मना कर पाया। अगर स्विट्जरलैंड को भारत से कंपेयर किया जाए तो देखने पर काफी सारे अंतर नजर आते हैं। जैसे नो वॉर पॉलिसी इंडिया कभी नहीं अपना पाया और अपने ही पड़ोसी देश से उसने युद्ध लड़े हैं, और आज जब भारत एशिया का सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री बनने जा रही है, इसलिए इंडिया स्विट्जरलैंड की तरह स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनकर मेडिएशन बनकर भी नहीं रह सका, क्योंकि ग्लोबली काफी सारे सुपर पावर कंट्रीज को इंडिया से डर लगता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इंडिया ने स्विट्जरलैंड की तरह दूसरे देशों को दोस्त बनाना और दोस्ती को निभाना तो शुरू कर दिया है, और उसने अपने आसपास कई अलायंस कंट्री बना ली है, लेकिन गोल तक पहुंचाने की अप्रोच इंडिया ने थोड़ा सा चेंज किया है। ये समझने के लिए हमको वर्ल्ड मैप की तरफ जाना होगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं। कनाडा और अमेरिका से इंडिया की काफी अच्छी रिलेशनशिप है। कनाडा की बात करें तो कनाडा ने इंडिया में काफी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं और 2021 और 22 में इंडिया के 52 प्रोजेक्ट्स में $26 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किए। आज 400 से ज्यादा कनाडा कंपनी इंडिया में ऑपरेट करते हैं और 1000 से ज्यादा इंडियन कंपनी कनाडा मार्केट में ऑपरेट कर रही है। लेकिन फिर भी जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो देश पहले आता है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर 7 दिन की ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आए हुए थे, तब उसको रिसीव करने के लिए ना पीएम गए, ना ही होम मिनिस्टर, ना ही फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि उन्हें रिसीव करने के लिए एक जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया था। और तो और जब वो ताजमहल घूमने गए तब भी उन्हें ना ही कोई मिनिस्टर बल्कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के दौरान उनका स्वागत करवाया गया। और इसके पीछे की स्ट्रेटजी थी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे थे और खालिस्तान कनाडा में इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि उनकी प्रेजेंस में खालिस्तान फ्लैग ओपनली हवा में उड़ाए गए थे और इंडिया के झंडे का अपमान किया गया था। और इस सब के चलते इंडिया को पावरफुल कंट्री और G7 की मेंबर कनाडा के आगे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखना पड़ा। अगर बात यूएस की जाए तो यूएस भी हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं। इंडिया और यूएस के बीच $157 बिलियन का बिजनेस होता है। इसके अलावा मिलिट्री सपोर्ट के लिए भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तब इंडिया ने अपने कंसर्न को पहले ही रखा है। यूएस के अलावा यूरोप, इटली, यूके आज के समय में इंडिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। लेकिन जहां पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है वहां पर इंडिया अपने पुराने से पुराने दोस्तों को भी ना बोलने के पीछे नहीं रहता। चाहे इटालियन ऑफिसर का इंडियन मछुआरों पर बंदूक से हमला करना हो या फिर इंडिया से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर बनाने की डील लेने के लिए इंडियन अधिकारियों को रिश्वत देना हो, ऑस्ट्रेलिया से की गई डील को कैंसिल करना हो क्योंकि वो डील देश के हित में नहीं थी, इन सभी मामलों में इंडिया ने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा है। यही वजह है कि इंडिया भी स्विट्जरलैंड की तरह ही स्ट्रेटजी अपनाकर एक नया न्यूट्रिएंट और मीडिएटर कंट्री बनकर रहना चाहता है।